गोवा के पूर्व राज्यपाल, प्रख्यात साहित्यकार और वरिष्ठ भाजपा नेत्री मृदुला सिन्हा को उनके 78वें जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। वह एक कुशल लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य और संस्कृति की दुनिया में व्यापक योगदान दिया था। 77 वर्षीय मृदुला सिन्हा बिहार की रहने वाली थी, पहले जनसंघ और फिर भाजपा से जुड़ी। उन्होंने भाजपा की महिला शाखा की प्रमुख के रूप में भी काम किया था। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके निधन पर दुख जताया है। मृदुला सिन्हा को दिवाली की रात हृदयाघात हुआ था, जिसके बाद उन्हें फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। बुधवार दोपहर 2:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार परसों दिल्ली में ही किया जाएगा। मृदुला सिन्हा कालकाजी स्थित अपने आवास पर अपने बेटे, बहू और दो पोतियों के साथ रहती थी। उनके बेटे नवीन सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने फोन पर शोकाकुल परिवार को संतावना दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मृदुला सिन्हा जी को जनता की सेवा के लिए, उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। वह एक कुशल लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य के साथ साथ संस्कृति की दुनिया में भी व्यापक योगदान दिया।